कांग्रेस प्रेसिडेंट ने हमारी जो सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसमें निर्णय लिया है कि हम कास्ट सेंसस को इंप्लीमेंट करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ जाने वाले कांग्रेसी नेताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पहले भी कई नेता कांग्रेस छोड़कर जा चुके हैं तो कुछ कांग्रेस में रहकर भी राहुल गांधी के विरोध से पीछे नहीं हट रहे। लेकिन इस बार कांग्रेसी नेता ने जिस बात पर राहुल गांधी का विरोध किया है वो मुद्दा सबसे बड़ा झटका है। राहुल गांधी जातीय गणना को देश की जरूरत बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेता आनंद शर्मा का कहना है कि ये नेहरू और इंदिरा का अपमान है। दरअसल राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की मांग के साथ ये वादा किया है कि अगर सत्ता में कांग्रेस आई तो वे खुद इसे कराएंगे, लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने इसी मुद्दे पर राहुल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आनंद शर्मा का कहना है कि जातीय जनगणना कोई रामबाण नहीं है, उन्होंने इसे इंदिरा और राजीव गांधी की विरासत का अपमान बताया है। आनंद शर्मा ने सिर्फ जातीय गणना का विरोध ही नहीं किया है बल्कि इसको लेकर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी पत्र लिखा है। इसमें आनंद शर्मा ने कहा है कि जातीय जनगणना की मांग को पार्टी के पूर्व नेताओं और इंदिरा गांधी व राजीव गांधी जैसे पूर्व प्रधानमंत्रियों का अनादर करने के रूप में समझा जा सकता है। दरअसल आनंद शर्मा का ये वार सीधे राहुल गांधी पर है, क्योंकि कांग्रेस ने हिस्सेदारी न्याय के तहत जातीय जनगणना कराने और आरक्षण की 50% की सीमा खत्म करने की गारंटी दी है। खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इससे सहमत है। इसे राहुल गांधी की मुहिम के तौर पर पार्टी ले रही है, लेकिन आनंद शर्मा के विरोध के बाद कांग्रेस का अंतर्कलह खुलकर सामने आ गया है। आनंद शर्मा ने खड़गे को भेजे अपने पत्र में इंदिरा गांधी के 1980 के नारे न जात पर न पात पर मोहर लगेगी तो सिर्फ हाथ पर का भी उल्लेख किया है। साथ ही ये भी कहा है कि 1990 में राजीव गांधी ने जातिवाद को चुनावी मुद्दा बनाने का विरोध किया था। ऐसी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहे इनसाइडर लाइव।